तो आज कुछ भी बात पहले शुरू करने से पहले आप सब आ जाइए, क्योंकि मुझे भूख लगी थी तो मैंने ये मंगाया है खाने के लिए। तो आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ आ जाइए पिज़्ज़ा खाने के लिए, ठीक है। मैं ऐसे ही पिज़्ज़ा मंगाती हूँ, मुझे और कोई नहीं पसंद, यही पसंद आता है। तो आप सबको भी दावत है मेरे साथ ये पिज़्ज़ा खाने की, तो चले आइए। कुछ ये बाहर का मौसम दिखाना चाहूँगी जो बरसात का बना हुआ है। एकदम अचानक में शाम से मौसम ऐसा एकदम डल पड़ गया और बरसात भी होने लग गई, और बिजली जो कि कड़क रही थी, और ये देखिए मौसम ऐसा है, बरसात शुरू हो गई है। शायद ये जाता जाता महीना है इसलिए अब बरसात गिरेगी। तो ये देखिए, एक तो वैसे भी मगरिब पे है लेकिन पहले इससे पहले शाम से मौसम ऐसा बन गया। ये देखिए हमारा पार्सल आया हुआ है जो अभी आया है, थोड़ा एक 5-10-15 मिनट पहले। तो ये जो मेरी बच्चियाँ रूम को एक डेकोरेट कर रही हैं उसके लिए उन्होंने मंगाया है ये, जिसमें हैं छोटे छोटे गुड्डे जिसको ऑर्डर किया था हमने अमेज़न से ना। हाँ, तो एक मैं देख सकती हूँ, अल्लाह ये पड़ा कोई बात नहीं, हाँ। तो ये देखिए इसमें हैं ये छोटे 4 गुड्डे जो हमने मंगाए थे, बहुत क्यूट हैं। मैं निकाल के दिखाती हूँ, मैं पकड़ू क्या? क्या पकड़ू कैसे? हाँ हाँ नहीं निकाल इसको निकाल दो, निकालो निकालो, दिखाने दे, मतलब मुझे दिखाना है। ये देखिए बहुत क्यूट, बहुत ज़्यादा क्यूट है, छोटे छोटे ये 4 आए हैं। ये मैं दिखाती हूँ, नहीं ये नहीं दिखाई, इतने प्यारे हैं ये अमेज़न से मंगाए हुए गुड्डे जो कि रूम को डेकोरेट करने के लिए मंगाए हैं। ये दोनों बच्चियाँ डेकोरेट करेंगी रूम को, वो आपको बाद में दिखा दिया जाएगा जब पूरा हो जाएगा काम तभी। बहुत ज़्यादा प्यारे, तो इस तरह आप मंगा सकते हैं अमेज़न से, क्योंकि हम वहीं से मंगाते हैं कोई भी चीज़ जो हमको क्यूट लगती है, प्यारी लगती है। फ़िलहाल तो हमने रूम को सजाने के लिए ये मंगवाया है, जब पूरी तरह काम हो जाएगा तो फिर मैं आपको वो भी शेयर करूँगी ब्लॉग बना के। तो है ना सचमुच प्यारे। हेलो एवरीवन, तो इस वक्त मैं अपने किचन में हूँ और मेरा खाना बनके तैयार हो गया है। अभी हम थोड़ी देर में खाना खाएंगे, एक 10 मिनट में। तो आ जाइए आप सभी हमारे साथ खाना खाने के लिए। और फ़िलहाल तो बहुत गर्मी है, धूप निकली हुई है, कभी बरसात होती है कभी धूप होती है, मुंबई में मौसम का पता नहीं चलता। तो फ़िलहाल तो निकली है धूप, और मेरा मुँह थोड़ा आपको चिपचिपा सा लग रहा होगा। तो इससे पहले भी मैंने बताया था कि मेरे मुँह पे पिंपल्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए थे और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पिछले आठ महीनों से पिंपल्स वगैरह मुझे, अब मैं तो ये सोच रही हूँ कि इस उम्र में पिंपल्स की ज़रूरत क्या है। तो पिंपल्स काफ़ी हो गए थे मेरे मुँह पे और थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हालाँकि मैंने बहुत कोशिश की उनको थमाने के लिए मगर नहीं रुक रहे थे। तो मैंने इससे पहले भी शायद अपने ब्लॉग में बताया था कि मैं एक एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, तो अभी यूज़ कर ही रही हूँ मैं। अभी पूरी तरह रिज़ल्ट उसका मिल जाए, पूरी तरह से उसका रिज़ल्ट मिल जाए तो फिर मैं शो करूँगी उसका नाम वगैरह। तो बहुत अच्छा जेल है और प्योर एलोवेरा जेल है वो, और कोई साइड इफ़ेक्ट उसका नहीं, बल्कि साइड इफ़ेक्ट क्या, मेरे जितने मुँह के पिंपल्स थे वो चले गए। आप तो देख ही रहे होंगे क्योंकि पहले भी मेरे ब्लॉग में तो इतनी बड़ी बड़ी मतलब पिंपल्स, इतने बड़े वाले पिंपल्स, तो यहाँ 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 काफ़ी जगह पर, यहाँ यहाँ इस हिस्से में पूरा भर गया था। तो दाग भी आस्ते आस्ते उससे हल्के हो रहे हैं, उसी जेल की ये बदौलत दाग भी जा रहे हैं। और बहुत परेशान थी मैं और थक हार के बैठ ही चुकी थी कि अल्लाह की मदद की और वो जेल मुझे मिल गया। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया मेरी अपनी फैमिली में से कि ये लगा के देखो, तो मैंने वो यूज़ किया तो मेरे को काफ़ी फ़र्क दिख रहा है इसमें। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि और थोड़ा ट्राई करूँ,
फिर ही उसका नाम मैं बताऊँ। जी मेरी भिंडी जो अभी भी बन के लास्ट में तैयार हुई है और हम चले हैं खाना खाने। तो आप भी सारे जो मेरा वीडियो देखते हैं, ये जो इस वक्त देख रहे हैं, आप भी आ जाइए माय यूट्यूब फैमिली, हमारी फैमिली के साथ खाना खाने। ये देखिए आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, सोने का स्टाइल। हाथ पैर पता नहीं किधर किधर हाथ पैर। और ये बहुत गहरी नींद में बेखबर, एकदम मेरे बच्चे बेखबर सो रहा है, पता नहीं कहाँ मुंडी पड़ी इसकी, किधर हाथ पैर पड़े हैं सारे मेरे को। यह हाथ है, यह हाथ पड़ा हुआ इधर। तो कैसे भी बच्चों की, छोटे बच्चों की तरह सोता है मेरा छोटा बच्चा, देखा तो प्यारा लग रहा माशाल्लाह सोते हुए। ये रहा एक और गरीब बच्चा, ये भी सो रहा है। जागता रहेगा तो उसका सारी पंचायत है, सो गया जब गहरी नींद में होगा तभी सोएगा, जागेगा तो पंचायत कोई जगह से अपनी नहीं ले, सब इसके आसपास रहे। कॉफ़ी मैंने बनाकर निकाल ली है कप में, तो आ जाइए मैं यूट्यूब फैमिली हमारे साथ कॉफ़ी पीने के लिए। ये तो यहाँ आपको दो कप नज़र आ रहे होंगे और एक मैंने बाहर रखा है और टेबल पर। अब ये दो ले जाने लगी हूँ, ये भी उनके साथ रखूँ ताकि एसी में हमारी कॉफ़ी जल्दी ठंडी हो जाए। मैंने अपनी कॉफ़ी निकाली कप में जो अभी आपको बताया, तो आपको भी दावत है, आप भी आ जाइए हमारे साथ कॉफ़ी पीने माई यूट्यूब फैमिली। और मौसम का तो ऐसा हाल है कि कल से ये हो रहा है, इतने दिनों से तो बरसात हो रही थी, कभी रुक रही कभी हो रही, काफ़ी गर्मी थी। अभी कल से ऐसा मौसम बना हुआ है कि 4 बजे से बाद मौसम ऐसा हो जाता है, अंधेरा एकदम हो जाता है और बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही है। मुंबई का मौसम है, बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही है और बरसात भी हो रही है बहुत तेज़। तो कल भी हुई थी और आज भी हुई है, सेम वैसे ही है, और आज कल से ज़्यादा बिजली आज चमक रही है। तो हम मैं घर में ही बैठे हुए हैं, कहाँ निकलेंगे, शाम में निकलने के लिए सोचा था, कुछ शॉपिंग करनी थी मगर नहीं हो पाया। तो अभी फ़िलहाल मैंने कॉफ़ी तैयार की है, तो 2 कप यहाँ रखे हैं, 1 मैंने बाहर ले जा कर रखा है एसी में, और अभी ये भी ले जा कर रखूँगी क्योंकि हाल ऐसा है कि बाहर भले बरसात हो जाए जितने टाइम उतना ही टाइम ठंडा रहेगा, बाकी रुकने के बाद में फिर गर्मी शुरू, मतलब हमारे मुंबई का तो यही हाल है। तो एसी की ज़रूरत तो फिर भी लगती है अगर इतनी बरसात भी हो जाए, क्योंकि अंदर जो है वो भाप है एकदम। तो अभी लेके जा रही हूँ बाहर, आप सबको तो मैंने बुला ही लिया है, आ जाइए हमारे साथ कॉफ़ी पीने। देखिए जैसे कि मैंने बताया था, ये हमारी तीनों की कॉफ़ी आ गई यहाँ बाहर, और अब जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम पियेंगे। और ये है बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा, ये देखिए बहुत तेज़ बरसात हो रही है, बाहर बरसात हो रही है और हम लोग घर में बोर हो रहे हैं। आज शॉपिंग के लिए जाने को सोचा था शाम में, लेकिन मतलब कल से ऐसा मौसम हो जा रहा है जैसे 4 बजे से ही अंधेरा, 4 बजे के बाद से 5-5.30 बजे ऐसा हुआ ना मौसम, हाँ। तो 5-5.30 बजे 5 बजे तक मौसम ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल अंधेरा घुप हो जाता है और बरसात होती है, उसमें मगरिब के टाइम भी मिक्स हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा बारिश और बिजली तो कड़क रही कल से। जैसे कि मैंने बताया था कि बरसात का जाता हुआ महीना है, तो शायद से बिजली तो काफ़ी कड़केगी, अभी इससे पहले और ज़्यादा आवाज़ें हो रही थी देख सकते हैं आप, और अभी थोड़ा सा कम हुआ है, फिर बीच में बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। तो ऐसे घर में बैठे हैं, बोर हो रहे हैं बस। हमारी गुड मॉर्निंग तो हो चुकी है, आई होप कि आपकी भी गुड मॉर्निंग हो चुकी होगी माई यूट्यूब फैमिली। तो नाश्ता वगैरह हो गया है, अभी थोड़ी देर में पकाने की तैयारी, मतलब खाना जो बनाना रहेगा वो तैयारी, नीचे से जाके बाज़ार लेकर आऊँगी मैं, मतलब जो भी खाना है बच्चों ने, बच्चों की ही मतलब पूछा जाएगा बच्चों का ही कि उनको क्या खाना है, तो जो उनको पसंद होगा वो बनाऊँगी इंशाल्लाह। और घर का कुछ भी काम अभी स्टार्ट नहीं किया है, बल्कि जल्दी जल्दी करना है क्योंकि आज जुम्मा है, तो जुम्मा के दिन ज़्यादा काम होता है। घर का सारा काम करने के बाद साफ़ सफाई के बाद नमाज दोपहर में अदा करनी होती है, तो अभी जल्दी जल्दी से जाना है, नीचे कुछ लाना है, पकाना है, कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत जल्दी पक जाए, फिर उसके बाद तो नमाज, फिर उसके बाद देखा जाएगा। आज भी सोचा है शाम में शॉपिंग के लिए जाने के लिए, लेकिन 2 दिन से तो मौसम ऐसे हो जा रहा है
कि जाया नहीं गया, लेकिन आज देखेंगे अल्लाह मालिक। तो सुबह हो गई और लग चुके हैं अपने कामों में। और मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि मेरे शक्ल पे काफ़ी पिंपल्स हो गए थे, तो अब मुझे फ़र्क लग रहा है थोड़ा बहुत, क्या आप लोगों को भी लग रहा है फ़र्क मैं यूट्यूब फैमिली, क्योंकि पिंपल्स काफ़ी और मैं काफ़ी परेशान थी कई महीनों से, तो मतलब अब जाके वो हटे हैं क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े आ गए थे पिंपल्स। तो वही मुझे फ़र्क लग रहा है और लग रहा है ऐसे फ़र्क पड़ता रहे, यानी शक्ल मेरी जैसी साफ थी पहले वैसे ही हो जाए, मैं दुआ करती हूँ यही, क्योंकि इतने मोटे मोटे मतलब इधर 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 इधर, तो मुझे वैसे ही बहुत टेंशन हो गई थी कि ये क्या हो गया, और जा भी नहीं रहा साथ, 8 महीने होने को आगे जा नहीं रहा था, मगर थैंक अल्लाह को और थैंक उस प्रोडक्ट को मतलब जो लगाया मैंने एलोवेरा का, इसकी वजह से शक्ल मेरी साफ हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। तकरीबन 15 से 20 दिन हुए होंगे मुझे लगाते हुए, और हाँ उतने ही दिन हुए और माशाल्लाह से शक्ल साफ दिख रही है। और अमेज़न से जो हमने प्यारे क्यूट से गुड्डे मंगाए थे वो यहाँ रखने के लिए, ये यही रूम है बेडरूम हमारा जो मेरी बच्चियाँ मतलब सजा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कोलैब आता है उनको वो शूट करती हैं, उनका अपने जो भी काम होता है वो यहाँ करती हैं, तो ये देखिए इसलिए मंगाया था। और मैं ये आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो भी आपको यहाँ बहुत अच्छी अच्छी अमेज़न पे चीज़ें हैं ये तो सब जानते हैं क्योंकि नाम है, तो बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं और एकदम यूनिक यूनिक, तो आप ज़रूर यहाँ से मंगाएं। एक और चीज़ भी मैंने अमेज़न से मंगाई है, तो वो भी शक्ल के लिए ही मंगाई है, पर मैं अभी नहीं बताऊँगी, वो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी इंशाल्लाह। तो शक्ल के लिए वो भी चीज़ मंगाई है और वो भी बहुत फ़ायदेमंद है, जिस तरह ये गुड्डे छोटे छोटे क्यूट हैं उस तरह वो चीज़ भी फ़ायदेमंद है, तो लेकिन मैं अभी नहीं बताने का सोच रही हूँ, मैं उसके लिए जो अगला व्लॉग इंशाल्लाह बनाऊँगी उसमें आपको बताऊँगी। तो फ़िलहाल तो काम शुरू होने जा रहा है और फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।